अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉलीवुड शोबीज़ में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शोबीज़ इंडस्ट्री में जो लोग आ जाते हैं उसके बाद उनकी कोशिश होती है कि उनकी औलाद भी इनके नक्शे कदम पर चले, और बहुत से लोग उन्हें इस नक्शे कदम से हटा लेते हैं और उनको इस्लाम की तरफ माइल कर देते हैं। उनका कहना होता है कि जिस रास्ते पर हम चल चुके हैं इससे वापसी मुमकिन नहीं है, और इसकी ऐसी लत लग जाती है कि इंसान इन चीज़ों का आदी हो जाता है। इंसान को होता है कि इसको हर वक्त ऐसे ही प्रोटोकॉल मिलता रहे। लेकिन मैं आज आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिनकी कोशिश है कि इनके बेटे भी इनके नक्शे कदम पर चलें, और इनके बेटों की तस्वीर जब भी वो शेयर करती हैं लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्यारे से हैं। अभी वो छोटे हैं लेकिन लोग उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आज मैं जिस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रही हूँ और किसके बेटे हैं, क्या उनके वालिद भी एक्टर हैं, तो मैं आपको दूंगी तमाम तर तफसीलात और तमाम तर तस्वीरें आपके साथ शेयर भी करूँगी। लेकिन ज़रूरी है कि आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें, कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ मैं बात कर रही हूँ खुशबू खान की। खुशबू खान ने अपने करियर का आगाज़ मॉडलिंग से करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में किया, और वो डांस करती हुई भी दिखाई देती हैं हमें अक्सर। वो पैदा हुई थी 24 जून को 1969 में लाहौर में, और लोग इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं। शादी उन्होंने की थी अरबाज़ खान से 2004 में, और वो बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो सोशल मीडिया अकाउंट से अक्सर हमें एक्टिव नज़र आती हैं, लोग इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं। उनके दो बेटे भी हैं जिनकी वो अक्सर तस्वीर शेयर करती रहती हैं, और उनका कहना है कि वो अपने बेटों को भी इसी इंडस्ट्री में जल्द लेकर आएंगी। क्या उनके बेटे को इस इंडस्ट्री में आना चाहिए या नहीं? खुशबू खान के बारे में आपकी क्या राय है? हमसे अपनी कीमती राय के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।